भाई साहब एक ही चीज बताऊंगा कि भेड़ चाल के मगर मत भागो। इससे सस्ते हेडफोन अच्छी क्वालिटी, अच्छा बेस, अच्छी ट्रबल दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सब यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक नए वायरलेस हेडफोन का, जो कि है अभी अनबॉक्स करेंगे, जो कि बोट का है। और ये इसका आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। अब अनबॉक्स किया नहीं है मैंने, तो मैं पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ, करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा बोट का, आगे से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। ये है रॉकर्स 255 प्रो प्लस, बोट रॉकर 255 प्रो प्लस है ये। ये देख सकते हैं ब्लैक कलर में हमने मंगाया है। इसकी स्पेसिफिकेशन है बोट सिग्नेचर साउंड, इस पे पहले APTX इन्होंने लिखा हुआ था, अभी बदल दिया है। पैशन नॉइस कैंसलेशन, टाइप सी से चार्जिंग होगा, कनेक्टिविटी टू डिवाइस से, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर, मैग्नेट लॉक और म्यूजिक प्ले, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IP X7 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है ये, और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 ओवर का प्लेबैक ये देंगे और 1 आवर में फुल चार्ज हो जाएंगे। ओवर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। तो ये इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। लो जी, इसके साथ क्या है अभी दिखाते हैं। ये लीजिए, टाइप सी है, USB A2 टाइप सी, ये कैप दो तरह के हैं, पोर्ट स्पीकर आ सकते हैं कहीं पे, मैनुअल है, और ये है पेपर। ये है बोट का वारंटी कार्ड, 1 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, बाहर निकाल के देखते हैं, थोड़ा बोट लिखा है, प्लास्टिक ही है ये, बोट है लिखा। इसकी तार भी पूरी फ्लैट है, देख सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं, जोड़ों के ऊपर ग्रिप इन्होंने बनाए रखी है, फ्लैट वायर है ये। और इसका जो ये दोनों बैटरीज है, शायद एक में होगी, और इसके जो यहाँ पर माइक दिया गया है दोस्तों, और वॉल्यूम डाउन
और प्लस और या प्ले पॉज करने का, यहाँ से टाइप सी का पोर्ट है, टाइप सी के द्वारा हम चार्ज कर पाएंगे। और ये हमारे हेडफोन है, यहाँ पर बोट लिखा गया है और एल शेप इन्होंने और नहीं दिया, इस पे जो लगा आता है यही है, और नहीं दिया ये वाले क्लिप जो होते हैं ये कान पे वाले, ये और नहीं दिए गए। ग्रिल देख लेते हैं ये कौन सी है, स्पाइस की, भाई साहब की निकला भाई। लो जी प्लास्टिक की है, जाली सी लगी है, कोई मेटल की नहीं है। पर ये जो है ना, ये वाला पार्ट है, ये मेटल लग रहा है, शायद मेटल है, मेटल ही है दोस्तों, प्लास्टिक नहीं है। और ये मेटल है, और जो इसमें ग्रिल लगी गई है वो जाली सी है, और काफ़ी अच्छी ये टिल्ड है, जैसे कान में अच्छे से आपके फिट आ जाएंगे। दोस्तों कुछ देर इस्तेमाल करता हूँ, फिर आपको मैं म्यूज़िक क्वालिटी इसकी बताता हूँ। भाई साहब एक ही चीज़ बताऊँगा कि भेड़ चाल के मगर मत भागो, ठीक है, भेड़ चाल के मगर मत भागो, वही साउंड है जो इनके नहीं, मैं बताऊंगा, इससे सस्ते हेडफोन अच्छी क्वालिटी, अच्छा बेस, अच्छी ट्रबल दे रहे हैं। इसे मैं कमज़ोर नहीं बोलूँगा, इसे मैं बुरा नहीं बोलूँगा, ये अपनी जगह पे ठीक है जो भी है, पर इससे सस्ते हेडफोन से अच्छी म्यूज़िक क्वालिटी हमें मिल जाती है, जो अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई साहब। ये कौन से है, बोल्ट के हैं ये, इनका पूरा नाम है, ये लिखा है बोल्ट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। इसमें प्रो पता क्या है, सिर्फ इसकी बैटरी लाइफ, जो है बड़े बड़े से डब्बे से दिए हैं ना भाई साहब, मुझे किसी कंपनी ने भेजा नहीं है जो मैं इसकी तारीफ करूँगा, मैं तो रियल बोलूँगा, अपने पैसों से ख़रीदा है, ठीक है जी। तो सिर्फ इसकी बैटरी लाइफ जो है, इन्होंने बोली है कि 40 आवर्स है, ठीक है जी। इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, जैसे कि कईयों ने बताया भी है, इस पर लिखा भी गया है 40 आवर्स है, 40 आवर्स तो नहीं देगा, थोड़ा सा कम देगा, पर इसकी बैटरी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, ये मुझे बता। पर मैं आपको ये बता दूं कि इससे अच्छे हेडफोन मेरे पास है, जो मैंने कंपैरिजन किया है, वो है बोल्ट के, बोल्ट ऑडियो X1WL, ये देखिए, ये बोल्ट के हैं। इस बोट से जो के मुझे पड़े हैं 1100 के, हज़ार भी चल जाते हैं, हज़ार से कम भी हो सकते हैं, पर मैंने 1100 के लिए है, पर ये अमेज़ॉन पे 800 के मिल रहे हैं दोस्तों, बोल्ट ऑडियो X1WL, ठीक है दोस्तों, ये मिल रहे हैं हमें, ऐसे दिखते हैं कुछ ये, हाँ जी, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छी है। हाँ तो दोस्तों ये जो है ना, ये कंफर्ट ठीक है, थोड़े चेर बाद खिसकने लग जाते हैं कान पे, और ये जो बोल्ट के हैं ये वाले, ये खिसकते नहीं है कान से, वहीं पर रहते हैं। और इसकी वॉल्यूम जब मैं लगाता हूँ ना, तो मैंने सभी इसको इक्वलाइजर हो गया, तो मेरे में जो सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमोस को ऑन करके देखा, तो
इसकी आवाज़ डॉल्बी एटमोस से इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी आवाज़ इसकी आती है। ये नकली से लगते हैं जैसे ढोल की बजरी हो, ऐसा इसकी आवाज़ लगती है। जो बोट के हैं उसकी आवाज़ जैसे ढोल की बजती हो ऐसे आती है। जब मैं इसको डॉल्बी एटमोस से हटाता हूँ तो अच्छी डीप आवाज़ आती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इसको लगाता हूँ ऐसा महसूस होता रहता है कि मैं थोड़ी वॉल्यूम और चाहिए, मुझे और चाहिए, जैसे कि 80% है इसकी। मतलब मैं अपनी तरफ से फुल की है मैंने, मतलब फ़ोन से भी फुल की है, इससे जितनी फुल है मैक्स वॉल्यूम तक ये इसको इसकी मैंने की हुई है। पर ऐसा मुझे लगता है कि इसकी वॉल्यूम मुझे चाहिए और, जैसे कि 80% तक रहती है मेरे हिसाब से, 100 नहीं है, ठीक है जी। तो इसकी बेस जो है ना वो भी ठीक है, वॉल्यूम के कारण इसकी बेस भी, हालांकि फ़ोन में इक्वलाइजर होता है हम घटा बढ़ा सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ कि इसकी वॉल्यूम भी 80% होती है जैसे वैसे लगती है, और बेस भी ठीक है, कम नहीं है, ठीक है, बेस भी ठीक है, ठीक है जी। अगर आपको कुछ सस्ते में, जैसे कि ये आपको मैं बोल्ट के दिखा रहा हूँ, ये बोल्ट के हेडफोन हैं, अगर आपको सस्ते में, जैसे कि ये 800 के आते हैं, ठीक है जी, और इसका जो कंफर्ट है ये देखिए, ये इसकी जो तार है ना जो गले में पाते डालते हैं, वो जो हेडफोन में लगी होती है तार, वैसी तार इसमें भी है। और इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि ये इरिटेट नहीं करते, इसको मरोड़ के आप जेब में डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, ये देखिए बहुत छोटे हो जाते हैं, ये इसे जैसे मर्जी मरोड़ सकते हैं। इसके भी जोड़ बड़े मजबूत हैं दोस्तों, तार भी बड़ी मजबूत है, तार में आपको दिखा देता हूँ, इसकी तार भी बड़ी मजबूत है, आप देख सकते हैं। और इसकी वॉल्यूम जो बोट की, इसकी मुझे लगती है ये 80%। अगर मैं सेम इसको हटा के, अगर मैं बोल्ट के जो ये बोल्ट के हेडफोन है मैं इससे लगाता हूँ तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है, इतना छन छन की आवाज़ आती है, मतलब ट्रबल भी अच्छा है इसका, बेस भी अच्छा, खुल के बजते जैसे ना खुल के बंदा नाचता है कोई शादी में जाके शराब पी के, वैसा ही ये हेडफोन है, मतलब खुल के बजते हैं, मज़ा आ जाता है, गाना सुनते हैं बहुत अच्छे बजते, ट्रबल भी अच्छा बजता है और बेस भी अच्छा, वॉल्यूम भी अच्छा है, 100% लगता है। और इसका जो है बेस तो है, ऐसा नहीं कहूँगा बेस नहीं है, बेस तो अच्छा है, पर इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है मुझे लगता है ऐसा दोस्तों। जो ख़त्म बात इस पे होती है कि अगर आपको बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए तो ये लीजिए बोट का, ठीक है जी। तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी वॉल्यूम कम है तो चल जाएगा, वैसे अगर मैं प्रेफर करूं तो आपको ये लेने चाहिए बोल्ट के जो 800 रुपए के आते हैं, इससे 200 रुपए सस्ते भी हैं। और इसकी तो इसकी बैटरी लाइफ 210 आवर बताते हैं ये, और पर ये भी काफ़ी इनफ हैं, चल जाते हैं, मैंने टेस्ट किया है, 2-3 दिन चल जाते हैं, ये भी लगातार भी यूज़ करेंगे तो। दोस्तों इसकी ट्रबल की आवाज़ थोड़ी कम है, इसकी ट्रबल थोड़ी कम है, जो बोट की है ना, बोट के हेडफोनों की आवाज़ की ट्रबल कम है इसकी हेडफोन की, इसकी ट्रबल बहुत अच्छी है, ठीक है जी। ट्रबल इसमें ज़्यादा है, बोट में कम है, बोट में ट्रबल ज़्यादा है, बेस दोनों में ही एक जैसी है, ठीक है जी। और वॉल्यूम बोल्ट में ज़्यादा है, बोल्ट में वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें 80% है, मैं कह सकता हूँ इसमें पूरी 100% है बोल्ट वाले में, ठीक है जी। ओवरऑल पबजी में दोनों सेम परफॉर्म करते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 5.0 दोनों हैं, ठीक है जी, ब्लूटूथ वाले। इसमें ड्राइवर का मेंशन नहीं किया गया भी कौन से ड्राइवर लगाए गए हैं, पर बहुत अच्छे बजते हैं बोल्ट में ड्राइवर का मेंशन नहीं किया गया, पर बहुत अच्छे बजते हैं दोस्तों। बोट वाले को लेने को मैं एक ही चीज़ को रेफर करूँगा, जो बोट वाले हैं, रॉकर्स हैं, अगर किसी को बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है जी, उसके लिए
नेक बैंड स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसके लिए। और ठीक है जी, अगर आपको जो माइक है ये इस पे चाहिए, जैसे कि बोल्ट वाले पे, यहीं पर माइक दिया गया है बोल्ट वाले में, ये बोट वाला है, इस पे सेपरेटली यहाँ पर दिया गया है, पर दोस्तों कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उसका तार वाला है, खींच के आगे आ जाता है। मेरी तरफ से अगर आपकी पसंद है दोस्तों, अगर आप ये लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप 200 रुपये बचाएँ और आप बोल्ट ये वाला हेडफोन लीजिए। बेस पैसा वसूल, ऑडियो क्वालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। अगर आपको ये नहीं पसंद आता, क्योंकि इसका जो हेडफोन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक है और ये मुझे शायद मेटल लग रहा है, शायद फिनिशिंग के लिए लगता है। हाँ दोस्तों मेटल लग रहा है मुझे, इसका मेटल है, उसका प्लास्टिक है, बस यही फ़र्क है दोस्तों। बाकी कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है दोनों में, तो आपको मैंने बता दिया। अगर आप जिससे भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये बोल्ट है ऑडियो वाला X1WL वाला, मेरी तरफ से फुली रेकमेंड है, आप ये ले सकते हैं। 800 आपका 200 रुपये बचेगा भी, ठीक है, 200-300 रुपये जितने भी आपके बचेंगे भी, और ऑडियो भी अच्छी मिलेगी और आपको इरिटेट भी नहीं होना पड़ेगा। बैटरी लाइफ भी उसकी बहुत कमाल की है, पर इसकी ज़्यादा है बोल्ट वाले से, बोल्ट की ज़्यादा है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ वीडियो बढ़िया लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करें दोस्तों, और ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।